अरे जब तक हो जब तक बोलते तो रहो भाई। भाई वो नीमो यादव को आज नीमो यादव हमारे स्पेस में कभी नहीं आएगा भाई। अच्छा सुनिए ना सम्राट भाई, आप जीते इसको बुला लीजिएगा, ओके? वो नहीं आएगा तो उसको मुझे गाली देना है। ये कौन क्योंकि आप मुझे रिमूव मत कीजिएगा उस दिन, आपको गाली वो लड़का दे रहा तो वो भी रिमूव नहीं कर रहा था, आप भी मुझे मत रिमूव कीजिएगा, मैं भी दम भर गाली दूंगा उसके बाद 5 मिनट के लिए, फिर नीचे कीजिएगा फिर ऊपर लीजिएगा। अरे मैं क्या बताऊं भाई, मैं उस दिन इतना मजा आया है ना उस स्पीच में, उसको कितना 1.5 लाख का रिच मिल गया उस दिन रात को। मतलब रो दिया था उसने तो। हेलो, मैं उस दिन जरूरी था, उस दिन उसकी हिपोक्रेसी भी एक्सपोज हुई और जिस हिसाब से वो बांग्लादेशियों और पता नहीं कहां कहां के लोगों को ऐड किया हुआ था। अच्छा, वो तो देवी देवताओं को गाली देता है, वो किंग का बैठाना था, वो देवी देवताओं को गाली देता है, हमारे देश को गाली देता है, विराट कोहली की बच्ची को गाली देता है, वो किंग बैठा रखा था उसने। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो बोलता पाकिस्तान जीत जाए, बहुत सारा ट्वीट है उसका। अच्छा अरे बांग्लादेशी है ना वो, हिंदू बॉस को वो आएगा ना सम्राट भाई तो ऊपर ले लीजिएगा उसको, उस दिन ज्यादा बाबा बन रहा था, नीचे दिखे उसको ऊपर लीजिएगा इनवाइट करके। सम्राट भाई कल से जो धोनी को ट्रोल कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या राय है? भाई मेरा टेक सिंपल है, अगर आपको भगवान मानते हैं तो आपको थोड़ा चीजों का मेंटेन करना चाहिए। हेलो, हाँ भाई बिस्ला, महादेव भैया, महादेव भाई, हर हर महादेव। और भैया क्या हाल है? बहुत अच्छे भाई, आप बताएं। भैया एक बार और आप लिए थे, उस समय हम बोल रहे थे आवाज आपको नहीं जा रहा था, आप हमको निकाल दिए, फिर आज ये दूसरा चांस मिला आपको। आज आवाज आ रही है, आज बोलिए। भैया ऐसे तो हम बनारस से रहने वाले हैं, एक्चुअली हम बिहार के लेकिन रहते बनारस, और यहाँ लखनऊ में मेरा ऑफिस है तो यहीं हम काम करते हैं। भैया हम वैसे मन में तो बहुत सारा सवाल है पूछने के लिए, लेकिन क्या कहाँ से शुरू करें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। यही आप ही कुछ बता दीजिए, बताओ बताओ क्या सवाल है, बोलिए ना। नहीं भैया जैसे कि हम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना था। जैसे हम लोग का, जैसे मैं रेलवे में हूँ तो अब जैसे हम लोग के यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट क्या कहेंगे, एक तरीके से हम लोग आंदोलन ही के तौर पर ले रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उसके बारे में बस मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप लोग को इसके बारे में कुछ पता है क्या, या आप लोग का कोई स्टैंड हो इस बारे में? नहीं देखो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आप क्या ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हो क्या? जी जी ओपीएस की। हाँ तो सही है ना यार, ओपीएस तो जरूरी भी है। मैं मतलब मेरे घर में कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ओपीएस जरूरी है। अब जब फ्री में इतना पैसा बांट ही रहे हो भाई, हर किसी को दे ही रहे हो वोट के नाम पे, 1,000, 5,000, 10,000, तो ओल्ड पेंशन योजना भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वही ना, और दूसरी बात ये भी है कि अब जैसे कि भैया वो अभी 7वां पे कमीशन लागू हुए बहुत टाइम हो गया, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ते जा रही है उस हिसाब से इन लोगों को 8वें पे कमीशन पे भी चर्चा करनी चाहिए, पर ये भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल जैसे 4th क्लास एम्प्लॉय अब क्या करे, छोटा सा इनकम आएगा उसमें घर चलाए कि वो अपनी बीवी का इलाज करा। नहीं नहीं, नहीं। मैं समझता हूँ, देखो मेरे पूरे परिवार में जितने लोगों से मैं अटैच हूँ कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, सब अपना प्राइवेट ही कर रहे हैं, कोई वकालत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, रिश्वत नहीं खा रहा, अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं बैठा दारू नहीं, भैया देखिए भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की बात करें तो वो बस वही लेवल के अधिकारी सब कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे रजिस्ट्रार विभाग हो गया, कलारी वाइन शॉप का विभाग हो गया आपका, आबकारी और आपका ये संसाधन विभाग होगा, इनमें होता है भ्रष्टाचार, बहुत होता है, इनमें पैसा कमाया जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग, जैसे टीचिंग विभाग हो गया, इन सब में तो पैसा है ही नहीं। जैसे भैया मैं रेलवे में हूँ तो इस चक्कर में बस पूछ रहा था, क्योंकि हम रेलवे में क्या टीसी हो क्या? नहीं भैया हम टीसी नहीं है, हम जैसे मेरे फादर थे तो उनके मतलब कि अचानक मृत्यु हो गई, उस पर मुझे जॉब ऑफर किया गया था, इसका सिस्टम ही बड़ा खराब है,
जब मुझे जॉब ऑफर के लिए मिला था तो मैं उस समय 10th पास था, अब जब मेरा जॉब हुआ तो मैं 12th पास हो गया, लेकिन ये सब ये सिस्टम बैठा है कि वो मेरा मार्कशीट 12th वाला लगा ही नहीं, बोले 10th पे ही नौकरी करो। नहीं नहीं होता है, ये होता बहुत लोगों के साथ देखा। नहीं ठीक है, अब तो भाई भगवान करे आप आगे बढ़ो खूब, और सरकारी नौकरी वालों के साथ जो कम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं उनकी हालत खराब है, मैं भी समझता हूँ। जी, और तो एक ये लिमिटेड सैलरी में सरवाइव करना बात है, अब इम्पॉसिबल एज तो हमको नहीं पता, भैया बोले कि भाई बोले, वो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा, भैया हम भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बस काम के चक्कर में जो आप बोलते हैं रिट्वीट नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, बहुत लोग को बोलते हैं हम नहीं कर पाते, हम मानते हैं गलती है हम लोग की, लेकिन सपोर्ट आपको भी पूरा फुल है। बोलो रैंडम, तुम्हें बोल रहा भाई वो नहीं, मुझे तुम्हारे टेक चाहिए अब दो तीन चीजों पे। माइक खोलो अपना देख ले लो। रैंडम रैंडम भाई, आपसे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ओके, जो आजकल मूवी मतलब जैसे जो भी है मूवी प्रमोट कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ परसेंटेज राम मंदिर को दे रहा है, वो सही है कि नहीं है? मतलब अगर वो प्रमोट भी कर रहा है तो मुझे लग रहा वो सही है। सब कुछ सही है भाई। क्या हुआ भाई, कोई नहीं ये दिया क्या तुम्हें उल्टा सीधा? देखो जिंदगी से हार गए। मैं आप गाइस कितने लोग हैं अभी स्पेस में, तकरीबन तकरीबन एक सेकंड में दिख नहीं रहा, कितने लोग? तो 1,000 लोगों के बीच सर्वसम्मति से मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, घोषणा नहीं एक्चुअली एक बहुत डार्क सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय रैंडम भाई जल्दी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, ठीक है? और रैंडम भाई बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि एज अ हिंदू उन्हें कुछ मिला नहीं है, तो अभी कॉल पर उन्होंने इस बात की चर्चा की, एंड अगर आप लोग चाहें तो उन्हें समझा सकते हैं कि ये कन्वर्ट ना हो, लेकिन बाकी इनकी जो इच्छा, भगवान ज़्यादा भला जाने। क्यों रैंडम भाई सम्राट भाई, शांत बन रहे क्या सम्राट भाई, गांड में दम है तो नाम लेके बोलो ना। नहीं है भाई गांड में दम, ठीक है नाम लेके बोला करो नहीं भाई। है, हम तो एक्सेप्ट कर लिए नहीं है, आगे बताओ नहीं है आप तो स्वागत भी करने वाले थे, क्या हुआ? अरे यार चलो गाइस, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जेन्युइनली पूछता हूँ। मैं कैसे पूछूं, अभी एक भाई की वीडियो, जुबेर भाई बहुत ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं, एक शहजाद पूनावाला करके भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। वो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मोदी को पता नहीं क्या क्या बोला करते थे, सनातन को भी लेके बहुत कुछ बोला। नाउ उनको हर तरीके की अचीव हर तरीके की वो मिलती है, मतलब इस तरीके की उन्हें महाकाल मंदिर में भी VIP दर्शन कराए जाते हैं, जबकि रैंडा भाई को भीड़ में से धक्का देके भगा दिया जाता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं? मतलब जो आदमी अपने धर्म का नहीं हो रहा तुम्हारे धर्म का हो जाएगा क्या? बहुत अरे सम्राट जरूरी भाई, उसका उस दिन मैंने नाम लिया था तो आप बोल रहे थे ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया, नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं तो मैंने आज ले दिया ना भाई, जुबेर की वो चाहिए थी ना मुझे यही वो यही उसका। तो अभी कौन बोला, कौन बोल रहा है ये? मैं निखिल, यही यही तो दोगलाई है सम्राट की। बताओ तुम एक कॉमन आदमी हो तो तुमको चुप करा दिया, भड़वा अभी खुद बोल रहा है, यही यही दिक्कत है, इसी समाज से हमें दिक्कत है निखिल। तुम तो अभी तक बचे हुए हो झारखंड में, अरेस्ट नहीं हुए ये साले। हिंदू है भाई, सामने भाइयों का एक एक लाख 1.5 लाख का नुकसान करवा देते हैं। ये पता नहीं कौन कौन सी लड़कियों को जाकर 2.5 लाख रुपए दे आते हैं, भाई अरे बहन मत को भरोसा नहीं बोलो, होता, मत भाई बहन को भरोसा नहीं होता। सम्राट मत बोलो भाई यार, प्लीज मत करो ये सब। नहीं, तो सही है ना, अपने भाई पे भरोसा नहीं है इन्हें, इन्हें दूसरों पे 2.5 लाख भरोसा मेरा है। बाप छोड़ के गया था ना पैसा, 2.5 लाख रुपए हम दे दिए किसी को, नहीं मेरा बाप दिया था बाप नहीं दिया भाई वो क्या नाम है ये, हाँ अरे क्या नाम है आपका दोस्त नहीं आया स्पेस में, जितेश को कौन? बुलाया, जितेश को। नहीं, जितेश भाई, नहीं जितेश भाई के भैया उस दिन यार, लेकिन पता है गजब का बजाय सर्जिकल स्ट्राइक बुला हुआ था। लो नीरज को भाई अरे उसका क्या बोले, उसका माँ बांग्लादेश भी गई थी क्या? निमोका उन बांग्लादेशी बुला रहा था हम लोग को, किसी को ऊपर ही नहीं ले रहा, गांड फट रहा है, एक बाप को फिर बुला रहे भाई ऊपर। इतना एक्सपोज हुआ है, पहले तो जब उसने गाली बकवाना शुरू किया, फिर उसके बाद वो जो बी सिंह नहीं था जो, जिसको मैं बहुत थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा था, हाँ
उसको अभी आपको डीएम का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैं उसे 30 बार मैसेज कर चुका भाई कि कहाँ है भाई रायसेन में, आजा मिल ले, अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। और वो व्यक्ति को बार बार वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था नीरव कि इनके ऊपर कुछ भी होके SC ST एक्ट लगे करके, ठीक है, मतलब सब जानते हैं कि मैंने उसको गाली दी है DP पे लगे, मतलब वो जो भी था, खैर ठीक है मैं उसकी सफाई भी नहीं दूंगा, लेकिन जेन्युइनली वो ऐसी बातों को घुमाता है ना, इसे रैंडम के पीछे वो एक पॉइंट पर पड़ गया कि जमीन बढ़ाया धर्म। अब वो पता कहाँ लेके जाता है इस चीज को कि जब जमीन धर्म बढ़ाया है तो अपनी जमीन बेच के गब्बर के ऊपर केस कर दो, नहीं करना हमें, हमें तेरे ऊपर केस करना है। अब वो तो बोला था ना, वो तो वही चीज जब बात कर रहा था बेचारा, अब तुझे, हाँ वही बात है ना, तुझे अरे तेरे तो बोला पास, तो सुनिए तो वो बोला तो हम लोग बोले नहीं कि हाँ उसका करे ना करे माधव तेरी तो तेरा जरूर कर देंगे तेरे को 3 दिन में अरेस्ट करवा देंगे बड़ में इतना औकात रखते हैं। जब तू जुबेर को 1,000 रुपए डोनेट कर सकता है तो हमको भी कर दे भाई 10,000 आना जाना। अरे सुनिए ना सम्राट भाई, आप जब आप लोग स्पेस से चले गए ना तब उसका स्पेस में एक बंदा आया इंटेलेक्चुअल, वो क्या बोल रहा जानते हैं, सम्राट कैसे क्या स्कूल क्या चलाता है, वो तो 24 घंटा ट्विटर में रहता है, तो बोले स्कूल में वो पढ़ाता है जाकर वहाँ का फंडिंग करता है, दिमाग उमाग है उसका ऑडियंस का, उसको लगता है आप जाकर पढ़ाते हैं, टीचर है आप तो इसके हिसाब से अगर हम फूड ड्राइव कर रहे तो मुझे बात यहाँ पे ऐसा हो गया कि जितेश का स्पेस चला, अब जितेश हमारे उस पे आता था, ठीक है, तो जितेश का स्पेस था तो हमको दिखा, पता नहीं कोई इसमें था तो मेरे उसमें सामने पे आ गया तो हम घुस गए। अब वो बेचारा नीरव मोदी गलती से हमको वो भेज दिया स्पीकर रिक्वेस्ट, हम स्पीकर बन गए, फिर आप आ गए। अब वो भड़वा जो अपने स्पेस में म्यूट कर करके बकचोदी करता था वो पकड़ा गया। अब सब अरे तो रेंडम में ही आप नहीं जाते ना, वो भी बोलता जो रेंडम के स्पीकर दिए थे नहीं आया था, घुस के गांड मारे बहुत अच्छा किए सम्राट भाई, कोई नीचे रेडिट बैटमैन करके है उसको लेना माइक पे, मतलब वो बात करनी चाह रहा है, कुछ एंटी हिंदू चीजें हो रही है कहीं की, बतानी बात बोलना चाह रहा वो। अरे यार एंटी हिंदू क्या भाई, कटारिया FC भाई, कटारिया का भी FC है क्या? हाँ भाई कब से है, अरे यार उस सुनी है गाली दे भाई कौन गाने बजा रहा है एक से भाई, क्या नाम बताया था तुम भाई? बैटमैन लगा करो यार भाई, अरे मैसेज कर रहा है DM में, लगातार मैसेज कर रहा है, तो इसको ले लो, पता नहीं क्या बताने वाला है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रैंडम भाई वो इंस्टाग्राम वालों का कुछ करो भाई, इसको बुलाओ या टॉक्स भाई, इसको हर चीज रिकॉर्ड करके डालता है भाई इसको इंस्टाग्राम भाई। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे ID है जैसे हमारा हिंदू देवी देवों का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी आपको टैग किया था एक भाई। तुम उड़ीसा से हो क्या भाई? हाँ भाई। तुम ये कौन सी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हो? BJD BCJD। ये मतलब वो बीजू पटनायक जी की पार्टी है क्या? हाँ भाई। भाई तुम्हारी चलती होगी फिर तो उड़ीसा में। हाँ तो भाई हम आए ना दर्शन करा देना अच्छे। हाँ भाई आ जाओ। नहीं भाई जेन्युइन बात है ना, वहाँ भाजपा की नहीं चलती इतनी भोसड़ी के हमको बोले कि हमको भीड़ में देखे हमको बजाते, वहाँ का प्रेसिडेंट बुला के बैठा के दर्शन करवाया। फोटो दिखाओ भाई, हम कैसे माने, हम आपकी तरह इंटरनेट हिंदू नहीं है कि फोटो खिंचवाए हम, हम है बहन हम तो, पता है सम्राट हम तो सोच रहे हैं कि उसको कॉल करके गरियाते हैं कि जो चुतियापा मचाए हुए, पता है उसे महाकाल लोग के उस पे को अल बल एक्टर एक्ट्रेस का फोटो डाल रहा है कि आज इन्होंने दर्शन किया, आज उन्होंने दर्शन किया, एहसान कर दिया है भगवान पे। वही वही क्या कर रहे हो भाई, महादेव का फोटो डालो, ये सब क्या बकचोदी कर रहे हो। अरे रैंडम भैया मैं बताता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैंने उतना सेलिब्रिटी को दर्शन करवाया उससे मेरा पहचान, उसका मतलब वही है। तुमको भी दर्शन करवा देंगे एक दिन। मुझे नहीं करना, मैं करके चलाता हूँ जहाँ करने होते को टॉक वाइज भाई डॉलर उलर बना कि नहीं, टॉक वाइज भाई तगड़ा आदमी है भाई, ये पूरी रिकॉर्डिंग डाल देता है भाई, स्पीच खत्म होने से पहले YouTube पर रिकॉर्डिंग दिख जाती है। हाँ हाँ वो रैंडम सेना वर्सेस मैक्सटन सर्च करो YouTube पे तुम से कम 25 चैनल पर रिकॉर्डिंग। अरे यार उस दिन आप बोल रहे थे तुम्हें काय को कह रहे हो तुम, नाइकी का जूता, ये सब कितनी बदतमीजी की भाषा है भाई। क्या नाइकी, अरे वो मेरा भाई है यार मैक्सन। अरे लेकिन ऐसी बातें करते हो भाई, हमारे ऐसे ही बात होता है ठीक है
फेक फेक माया मतलब क्या इंडिया के बाहर से रहते हो क्या भाई तो माया पता ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो अभी प्रशांत भाई के घर अलग टीवी चल रही है पता रात में कौन है आवाज नहीं आ रही पीछे से भाई तुम्हारी उम्र कितनी है प्रशांत भाई प्रशांत भाई बीवी मारती है 18 है 18 है मेरी भाई अच्छा 18 है तो तुम्हें क्या जरूरत है भाई स्पीकर की ये तो कपल्स के लिए रहता है स्पीकर चला के और ऐसे गाने में तो मूड खराब हो जाएगा भाई अच्छे बजा मैं नहीं चला रहा भैया चला रहा है अच्छा रैंडम भाई मालदीव्स पे ओपिनियन क्या है जिस पे हैशटैग लगा रखा अपन ने अरे माल भाई तो सिन्हा विन्हा ने मां चोद दिया बहचोद दिया मालदीव्स वालों का देखिए अब गंदा पहला आईटी सेल ने आईटी सेल तुम्हारे मतलब सिन्हा आईटी सेल है ना सिन्हा नहीं हाँ सिन्हा सिन्हा भाई तो है अपने शायद आईटी सेल केस में कौन से क्या हमको तो एक ये नहीं समझ में आता है भाई कि जो आईटी सेल से उनको बोलने में कैसी शर्म है कि हम आईटी सेल से है भाई हमको अगर बीजेपी पैसा दे रहा होता हम आईटी सेल से होता हम चौड़ में लिखते कि भाई ये आईटी सेल का अकाउंट है हम बीजेपी के सारे कामों को डिफेंड करेंगे अच्छा बताएंगे इसमें गलत क्या है तो कौन सी शर्म की बात है बहनचोद दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे आईटी सेल एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम आईटी सेल से है तुम्हें एमपी का काम तो मिलता रहता है तुम फिर क्यों नहीं डिफेंड करते एमपी गवर्नमेंट को डेली 25,000 50,000 में ट्विटर ट्रेंड करवाने वाले भी ये बकचोदी पे भोसड़ी के एक्सपोज करना शुरू करेंगे ना पता है भाइयों ये सम्राट जो है डेली ट्रेंड करवाता है पैसा ले लेके अलार बलार इसके ट्विटर पे जाओ जो भी हैशटैग देखोगे सब वो पेड ट्वीट ही रहता है पेड ट्रेंड रहता है सामने वाली पब्लिक से 50,000 1,00,000 रुपया उठाता है और ट्रेंड करवाता है एक घंटे के लिए एक दिन कराया था भाई बहुत तगड़ा ट्रेंड और एक दिन कराया तो पता है क्या था ट्रेंड क्या था यूके वाला क्या नहीं अरे हरे नोट भाई पेमेंट रुक जाएगा सही में हुआ था देख रहे थे जितना बीजेपी आईटी सेल वाले सब ट्वीट किए हुए सम्राट किसको ले लिया मैं खुद नहीं करता भाई ट्वीट का भी ट्रोल पाकिस्तान है ट्रोल पाकिस्तान वो पर पेमेंट रुकवा देगा ये बड़वा नहीं तो मैं खुद करता ही नहीं हूँ भाई वो मेरे काम मेरे नेटवर्क ही अलग है भाई वो जिनके मैं ट्रेंड कराता हूँ उन्हें कभी सुना ही नहीं होगा नाम माम जिनके मैं कराता हूँ जिनका जेन्युइन हो जाता है उसका पेड ट्रेंड करवाने की क्या जरूरत है जिसका जेन्युइन हो जाता है नहीं नहीं देखो जैसे बहुत सारे अजीब अजीब होते हैं एक मैंने कराया था पहले हरे नोट पीले वोट ऐसा कुछ करके ट्रेंड था ठीक है हरे नोट या गुलाबी वोट पता नहीं कुछ ऐसा था अब उस ट्रेंड में तुम क्यों पार्ट लोगे भाई या तो फिर मैं वैसी आईडी बना लूं भाई जो जो राष्ट्रवादी भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं मोदी जी के समर्थक हैं ट्वीट करें तो हो जाएगा ठीक है अदरवाइज तो मुश्किल है कि ऐसा ट्रेंड हो पाए नीरव भाई को बुलाएंगे ना यार अरे यार नीरव भाई की अब मैं क्या बोलूं वो ऐसा विश्रम इंसान है वो अपने स्पेस में कभी नहीं आएगा भले अपन उसे को होस्ट भी दे दें या दे देंगे वो बुलाएगा अपने में ही और वो उसे इतना मजा आ रहा था इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी ना जब वो किंग गाली दे रहा था इस पे अपन हंस रहे थे वाइब्रेटर पे ठीक है बोले रहे थे इसकी मम्मी जो वाइब्रेटर यूज करती है यहाँ छोड़ दिया वो तो गजब है तेरी औकात क्या है रैंडम चुप रहे रैंडम तेरी औकात अरे भाई इतना क्रिंज लग रहा था ना भाई उस दिन इतना क्रिंज लग रहा था वो और उसे लग रहा बहुत एकदम डैंक हो गया बाबा अब तो बोले हमारा करियर ही खत्म हो गया भाई नीरव भाई रात में 3:30 बजे तक गाली खाए हमसे और 4 बजे ट्वीट डाल रहे हैं ट्रक वालों के साथ घूम रहा हूँ उस दिन रैंडम 3:30-4 तक हमने गालियां बकी उसको उस पे स्पेस में 4 बजे भाई वहां भी निकल गए ट्रक वालों से मिलने यार एक से एक है नहीं नीरव भाई अगर आपके अभी भी सम्राट भाई को सुनो सुनो हमें नहीं सम्राट भाई मैं बेटर बताता हूँ क्या हुआ होगा वो हम आप लोग से बात कर रहा था ना तो ज्ञान भटक गया होगा पेड ट्वीट आया होगा समझ में वो इग्नोर कर दिया उसको गांड में 4 लाख दिया बोला जल्दी ट्वीट कर तभी किया वो सोचा उचा नहीं क्या होगा आगे पीछे एक ये 3-4 महीने पहले का बात है सम्राट नाम मत लेना ठीक है बता रहे हैं कि स्टोरी एक भड़वा था
जो मेरे खिलाफ कुछ अगेंस्ट ट्वीट कर रहा था पुलिस पुलिस को टैग करके, ठीक है। अभी 4 दिन पहले उसका ट्वीट किया है वो, ठीक है, उसमें बीजेपी आईटी सेल वाला सब धर लिया उसको, माधरचोद गांड लेके ट्वीट डिलीट करके भाग गया। अब हम उसको डीएम कर दिए कि अब तो तू धर आ गया माधरचोद, अब तू मेरे अगेंस्ट ट्वीट करेगा, तेरे को अरेस्ट करवाएंगे। अब उसका गांड फटा हुआ है, नाम समझ गए आप कौन? नहीं थोड़ा हिंट दो, देंगे आपको कॉल पे। अभी यार वाला कर्मा होता है हमेशा, कर्म ने ट्वीट कर दिया तुम्हारे अगेंस्ट? अरे नहीं ना, मैं बताएंगे आपको यहाँ नहीं। बिहार वाला क्या? अरे बिहार वाला तो छोड़ो भाई, एक तो ट्विटर खोलने की, ट्विटर छोड़ो अभी तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खोलने की इच्छा खत्म हो गई भाई मेरी। कौन रैंडम क्रिंज तो हो गया मैं, मतलब इतना खून जल रहा है ना मेरा भाई पिछले 15 दिन से भाई। सम्राट भाई आपकी तो गांड जलती है, ठीक है? हाँ जल रही है भाई, एक दो इन्फ्लुएंसर से तो आपकी गांड जलती है। नहीं उससे जल नहीं रही, देखो अंतर रैंडम समझो, जलने का जैसे जलता मैं उससे हूँ जिसका कंटेंट हो या कुछ हो, समझ आता है। मैं चिढ़ रहा हूँ भाई। देखो यार ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ सीरियस नोट जितने भी भाई लोग अभी सुन रहे हैं, रैंडम भाई जलने से याद आ रहा, मेवाराम का पीछे से देखा था वीडियो में बिल्कुल ब्लैक। सीरियसली क्या होता है भाई कि अभी जितने भी पब्लिक सुन रही है, सच बताओ भाई, हम 3-4 बार 5 बार ये चीज बोल चुके हैं, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया पे जितने भी भाई धर्म को बचाने वाले आ गए ना, 99.9% भाई चूतिया काट रहे हैं, ठीक है भाई, सीरियसली बता रहे हैं हम, सबके सब फ्रॉड है, सबके सब फ्रॉड है। और लेफ्ट ऐसा नहीं है कि राइट में ही बड़े पड़े भाई, लेफ्ट तो खत्म पहले से ही था ही, तो हम वही चीज पब्लिक को हमेशा समझाएंगे या बताएंगे कि भाई इंटरटेन होने ही आया करो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की कोई भी चीजों को सीरियसली मत लो भाई, ठीक है? और जो तुम्हारा दिमाग मतलब दिल से मत सोचो। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ है अभी देखो, 10 दिन से 15 दिन से क्या हो रहा है इसका पुनीत सुपरतार और ये क्या नाम है दूसरा बंदा, क्या नाम वो मजाक उड़ा के चुतिया पर कर रहा है कि ये देखो हिंदू भाई हो, ये हो रहा है, 4-4 साल 5-5 साल पुरानी वीडियोस को या फोटो को लाके, जस्ट बिकॉज ऑडियंस बेवकूफ है और वो शेयर करेगी और उससे आईडी का रीच बढ़ेगा। क्या होता है मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, जो जैसे मान लो मैंने अभी, पता है मैं तुमको बता ही देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैंने मैसेज किया सामने से विनबज वालों को मैंने सामने से मैसेज किया। विनबज को आप इंस्टा पे जाके फॉलो करिए, देखिएगा तो वो विनबज एक अकाउंट को फॉलो कर रहा है, समथिंग पार्थ शर्मा नाम है उसका, वो मार्केटिंग हेड है। तो मैंने उसको मैसेज किया, सुनना ध्यान से, ठीक है? मैंने उसको मैसेज किया कि हेलो, तो सामने से रिप्लाई आया, हाँ हेलो भाई, पेड प्रमोशन अवेलेबल? मैंने बोला हाँ भाई, तो आप अपने चार्जेस बताओ। तो मैंने बताया उसको 10 लाख रुपए एक रील का और 5 लाख स्टोरी का, ठीक है? बंदा बोल दिया भाई मैं बल्क ऑर्डर में डील करूंगा, लेकिन आप मुझे अपना वो दिखाइए, आपका जो इंगेजमेंट का वो है वो दिखाइए। सुनना बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने उसको भेज दिया वो चीज़ कि भाई मेरा ये है, क्योंकि 1 महीना से अकाउंट बंद है तो कम था मेरा। तो बोला कि हाँ मैं बल्क में डील करूंगा सर, 1 महीने का आप कितना लोगे बता दो कितना। तो मैंने पूछा, फिर मैं उसके बाद बातचीत ज़्यादा नहीं हुई। तो अब क्या हुआ, मैं क्यों ये चीज़ तुमको बताया, अब जैसे मान लो इसको पेड प्रमोशन मिलेगा, जो क्या नाम है इसका, थारा भाई जोगिंदर का या पुनीत सुपरस्टार का, तो इससे ये विनबज वाले या ऐसे हजारों जो प्रमोशन वाले हैं वो उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे आईडी पे रीच कितनी है। तो वो रीच जो तुम शेयर करते हो ना कि हाँ हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जा रहा है या मारपीट वो किया जा रहा है, मूर्ति तोड़ा जा रहा है, उस पे जो तुम शेयर कर रहे हो वो उस रीच को बदलेगा अपने पैसे वाले प्रमोशन में, ठीक है? तो ऐसा धंधा बन चुका है पूरा, सब कुछ ऐसा धंधा बन चुका है भाई। तो सोशल मीडिया पे तुमको अगर ये शेयर करो भाइयों, शेयर करने से कुछ नहीं होता है भाई। अगर कोई मान लो अगर तुमको एक्चुअल में अरेस्ट करवाना है तो या तो तुम एक सुओ मोटो केस रजिस्टर करवा सकते हो पुलिस पर प्रेशर डलवा के, नहीं तो तुम FIR कर सकते हो। जैसे क्रेजी दीप है एक बंदा, वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, सम्राट का दोस्त है, हमको भी फॉलो करता है, हम भी फॉलो करते हैं। वो एक मतलब जो वीडियो डाला एक्सपोज करके, तो उसको ये थारा भाई जोगिंदर धमकाया कि FIR कर दूंगा। तो वो भड़वा उस बंदे पे FIR नहीं कर रहा था जो हिंदू गॉड्स को वो किया था, कुछ मैन हैंडल किया था, लेकिन इसको इस पे FIR करने का धमकी दे। मेरा पॉइंट था वीडियो का वो, यार तुमने
हाँ तो वही चीज है भाई कि ऐसे चूतियों से सावधान रहे। अब जैसे क्या है कि जो हिंदू नहीं भी है वो भी श्री राम के नाम पे सेना बना के चूतिया बना रहे हैं, ठीक है, कि गौ माता मर रही है लंपी वायरस से, हम क्या बोलते हैं जड़ी बूटी बना रहे हैं, हमको 5 लाख रुपया दे दीजिए ताकि हम गौ माता बचा लेंगे। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड से आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया पे जो भी जय श्री राम हिंदू भाइयों इस चीज को शेयर करो दबा के भाइयों, इन सब चीजों से दूर रहिए। सोशल मीडिया पे आइए, इंटरटेन होइए और घर में जाके चुपचाप बैठ जाइए भाइयों। कोई भी एक छोटा से छोटा चीज भी सब कुछ पेड़ होता है, सब कुछ पेड़ होता है। मुझे सम्राट ने ही एक चीज बताया, एक हैशटैग चला था, एक ट्रेंड चला था, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो तुम्हारा भी विश्वास उठ जाएगा उस चीज से, मतलब उसको वो देशभक्ति वाला ट्रेंड था, ठीक है, 1 साल या 2 साल पहले आया था, और हमको अभी पता चला कि भैनचोद उसमें 100-100, 200-200 करोड़ की फंडिंग मिली थी कि आप ये चीज करिए, और उसमें आईटी सेल वाले या विभिन्न तरह के लोग पैसा कमाए थे, क्रिएटर्स पैसा कमाए थे, और हम क्या सोचते थे कि साला ये चलो देशभक्ति में ये चीज हो रहा है। तो सब कुछ सोशल मीडिया पे आप जो भी देख रहे हैं सब कुछ पेड है, आपको दिखाया जा रहा है, आपको जिद जबरदस्ती दिखाया जा रहा है, आप खुद से वो चीज चूज करके नहीं देख रहे। तो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही सोशल मीडिया को रखिए, जबरदस्ती का सीरियस मत होइए किसी भी क्रिएटर। मैं बार बार वही चीज क्या बोलूं भाई, बस यही है कि भाई टाइम पास करने के लिए और निकल जाओ उधर भाई, से। बहुत क्लियर और बहुत क्लियर बता रहे हैं। अभी वे बहुत तेज है हिंदुत्व की और आगे बढ़े। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं बढ़े, बिल्कुल बढ़े, भगवान करे और आगे तक बढ़े, लेकिन जिस हिसाब से नौटंकियां शुरू हो गई हैं भाई, मतलब एक मैं वीडियो देख रहा था, मैं चार धाम की यात्रा कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, महादेव मेरा पैसे का करवा दे, ये लोग देख रहे हैं, ये QR सम्राट कोड पे पैसा कर दे, क्या चूतिया भाई एहसान कर रहा है क्या भगवान पे स्क्रीनशॉट, बोल हाँ रही है। यही यही सम्राट, हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे विनबस वालों का, नाम नहीं लेके भेजो, कहीं केस वेस ना ठोक दे। हम नहीं कर दस लाख पाएगा क्या? का एक रील का हम उसको 10-10 लाख बोले और वो मुकरा भी नहीं, वो रेडी हो गया 10 लाख वही में, ना, 1.5 मिलियन। रैंडम रैंडम भाई क्या बोल रहे हो, सुनिए 5 लाख एडवांस ले लीजिए, वीडियो मत बनाए, कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। अरे नहीं यार, वो ले ले क्यों, भाई दो ऐसा द, वो ऐसा तो सत्रह 10 आदमी को बोलो भाई कैसे कैसे उठता है इंडिया से, चलो तो इतना सत्ता प्रमोट हम, कर रहा है। अरे तो हम क्या करें भाई, गजब चूतिया जैसा बात कर, तो नहीं हमको ये मैं सब करना रहता लिटरली भाई, हम बीजेपी से आईटी सेल से कमा लेंगे उतना, रैंडम, चौगुना कमा लेंगे मैं उतना। रोज एक रील में एक वीडियो देखता हूँ जिसमें मैं चार धाम की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, भाई भगवान पे एहसान कर रहे हो क्या यार, तेरी भक्ति है तू करना, और हमें एक हमें हम क्यों पैसा दें भाई तेरी भक्ति के, और ये तो तुझे चीज है ही भाई, और दूसरा चीज कभी भी जो नॉन हिंदूज हैं, चाहे वो नॉन हिंदू कोई भी हो भाई, हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं भाई वो हमारे भाई हैं, ऐसे मत करो भाई। नॉन हिंदू तो कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता भाई। और सही कोई बात, जो मुस्लिम सनातनी मुस्लिम का बकचोदी कर रहा है एक भाई, आजकल देख ली है। वो अपने मजहब का नहीं हुआ तो तुम्हारे तुम्हारे धर्म का तो कभी नहीं होगा। तुमको चूतिया काट रहा है, तुमको कैश कर रहा है भाई, तो ठीक है, या तो तुम डोनेट करो या तो तुम वो जो तुम उसको फॉलो करोगे और शेयर करोगे, तो उससे वो जो कैप्शन में लिखा रहता है कि DM फॉर पेड प्रमोशन, उसमें वो नंबर्स बढ़ाता है तुम्हारे फॉलोइंग लिस्ट को दिखा के, ठीक है। हाँ, एक तो भाई फॉलोअर 1 रुपया कम से तो भाई ये सब वही चीज है सोशल मीडिया भाई, क्या बोले, मन उठ कम। चुका है मेरे को पूरा। कोई नहीं समझ में आ रहा, सनातन धर्म को वॉरियर की जरूरत है, मान लो कल को अरे रैंडम नहीं रहे, सम्राट नहीं रहे तो क्या धर्म नहीं रहेगा। अरे हम सम्राट भाई यही 2 महीना पहले हम किसी से सुने थे, मेरा तो हिट कर गया गंदा वाला, कि भैंचोद इतने सालों से मुगलों ने ये किया, अत्याचार किया, इतना कुछ हुआ, तो हमारा धर्म डिगा मतलब इधर से उधर नहीं हुआ। अब बहन के लड़े 4 दिन के सनातनी मतलब ये इन्फ्लुएंसर धर्म को बचाने चले हैं, मतलब वही हमको खुद हिट कर गया कि भाई सही में ये इंस्टा के धर्म रक्षक और ट्विटर के धर्म रक्षक आजकल सनातन धर्म को बचा रहे हैं इन चूतियों से। तो वही बात है भाई, खुद पे करो, खुद सब कुछ करो ऑन अरे ग्राउंड आराम से अपनी भक्ति करो, पूजा पाठ करो, कोई समस्या है तब बताओ कि भाई हमें ये समस्या है, बिल्कुल अपन कैंपेन करेंगे, सब करेंगे, वो तक ओके है यार, लेकिन मेरी वीडियो से धर्म बचेगा या मेरे बोलने से धर्म बचेगा, हाउ इट इज पॉसिबल भाई उस यार। दिन भी स्पेस में ये चीज डिस्कस हुआ था कि भाई पता है आप, हम गलती से एक अकाउंट को फॉलो कर लिए
वो यही धर्म का वो करके, पता है सम्राट भाई, वो एमएलएम का चुतियापा चोद रहा है, बताइए। मतलब अब सब ये जो थोड़े भी स्मार्ट क्रिएटर है ना, समझ गए कि यही चीज ट्रेंडिंग में है, इसका सहारा लेके कुछ भी कर दो और बोल दो कि बहनचोद हम हिंदू है इसलिए हम पे अटैक हो रहा है ये चीज, मतलब हम ये नहीं कर सकते क्या? जो वेव को देख के मुसलमान से हिंदू बन गया, सनातनी बन गया, क्या भरोसा है कल वो वेव को देख के सनातनी से वापस मुसलमान नहीं बन जाए? और एक तो सम्राट भाई का दोस्त ही है और की दोस्त भी है, है ना? हाँ, जो उस दिन आए थे स्पेस में, क्या वही क्या सम्राट भाई वही है क्या? अयोध्या जा रही है क्या वो सम्राट भाई? हेलो सम्राट भाई, वही है क्या जिसके बारे में ये निखिल बोल रहा है? निखिल बोलना जरा, पूछना। कोई अयोध्या जा रही है क्या? कौन जा रही है अयोध्या? जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हो? अरे मैं तो एक देखा क्या भाई, अब वो शहजाद पुना वाला का स्टेटमेंट नहीं भेजा था मैं तुम्हें, पुराना वाला के अंदर से भोसड़ी के, तुम शहजाद पुना वाले का नाम ले सकते हो लेकिन अपनी दोस्तीनी का नाम लेने में गांड फट रहा है तुम्हारा। कौन की कह रहे हो? कौन की कह रहे हो बताओ ना, नाम तुम लो ना, किसकी कह रहे हो? वो जो अपने वीडियो पे वीडियो सुनिए ना, मैं बताता हूं तो आप, हम तो सम्राट भाई फॉलो भी नहीं करते हैं, आप फॉलो बैक करते हैं ना, तो आप नाम लिखो भैया। मैं ले लूं क्या नाम? हां हां ले ले। शबनम, शबनम क्या कर रही है वो? अच्छा शबनम को, शबनम के बारे में बात कर रहे हो क्या सम्राट भाई? क्या कर रही है आजकल वो? वो तो आपको पता। अरे आओ, सॉरी भाई, उनके भी तो राम यात्रा। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते क्या? नहीं भाई, नहीं करता इंस्टा पे भाई, नहीं करता। मैं ट्विटर पे बिल्कुल सनातनियों को फॉलो करता था और लाइन से अनफॉलो भी कर दिया मैंने बहुत सारों को। अच्छा सम्राट भाई, एक कोई शबनम जी हैं। अरे हाँ मैं समझ गया, शबनम तो मुस्की कह रहा ना, वो भी कोई राम जी की यात्रा कर रही है ना। अच्छा उनके बारे में क्या ख्याल है आपका भाई? ठीक है, मैं देखो, मैं तो टोटल खिलाफ हूँ भाई। अगर कोई आदमी देखो, या तो वापस, मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, जिसको भी यात्रा करनी है, क्लाउड लेना बिल्कुल अच्छी बात है, आप हिंदू बन जाओ, खूब करो, लेकिन आप अपने आप को मुस्लिम भी क्लेम करोगे और हिंदू भी क्लेम करोगे, ये चीज मेरे से नहीं चलती भाई, वो चाहे किसी तरीके से। तो शबनम जी को स्पीकर में ले ले क्या, बुलाए क्या भाई? ले लीजिए अगर तो बाकी तो आपकी हो, आप बुला लो। अगर वो यात्रा भी कर रही है तो क्या रील्स बनाकर डालना जरूरी है क्या भाई? मैं तो डे वन से, ये तो रैंडम भाई का चूतियापा है ना, इससे प्रमोशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तो डे वन से खिलाफ हूँ इन चीजों के। आज एक बात बताओ, मैं तुम सबसे पूछता हूँ, आज भगवान की महादेव की कृपा है, मैं महाकाल मंदिर के अंदर जाके पूजा कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर मैं हर हफ्ते एक वीडियो बना के डालने लगूँ महाकाल के अभिषेक करते हो, क्या मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे? मैं कह रहा हूँ अजीब ऑडियंस बढ़ेगी, वो भगवान वाली बढ़ेगी या कोई भी बढ़ेगी, मैं ये ऑडियंस की बात नहीं, क्या नहीं बढ़ सकते? डेफिनेटली नहीं, तो मैं क्यों दिखाऊँ भाई? मेरे महादेव मेरे है ना, वो मेरे पर कृपा, मतलब मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, मेरे पर कृपा करेंगे, मेरे विचार पर करेंगे, और मेरे वीडियो डाल देने से ऐसा तो नहीं कि बाकी सब पे कर देंगे भाई, कि निखिल को भी कुछ कर दें या वो कर दें। मैं तो अपनी व्यक्ति अपने लिए पूजा कर रहा हूँ ना यार, इसका ये मतलब थोड़ी ना मैं उसके नाम पे लाभ लेने लगूं यार। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हर जगह का होता है। अब आज मैं राम मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ निखिल भाई, मैं तुम, चलो रैंडम मैं तुमसे पूछता हूँ ना, तुम तो बहुत हिंदुओं के लिए करे, तुम्हारे तो सरतन से जुदा हो रहे थे कि नहीं? तो अभी भी ट्वीट होते हैं उसमें, कौन से हो रहा है ना, तुम्हें क्या मिल गया? आज तुम दर्शन नहीं कर पाओगे राम मंदिर के भी, लेकिन दूसरे करेंगे, तुम्हारी गांड नहीं चलेगी भैया। पता है सम्राट भाई, क्या पूछ रहा हूँ मैं, तुम जेन्युइनली बताओ ना सम्राट भाई, हम बताते हैं आपको क्या है कि अब कुत्ते बिल्ली को इन्विटेशन मिला है, कुत्ते बिल्ली, और मुझे सच्चाई बताए रणवीर कपूर को इन्विटेशन मिला और बोला हुआ है सब, ये सब आईटी सेल के पिल्ले हैं जो लांड चाट लिए, उनको इनविटेशन मिल गया। अब वो तो पब्लिक को नहीं पता है ये सच्चाई, कि ये इनविटेशन का क्या सच्चाई है, किनको किनको मिल रहा है, ठीक है? अब वो कुत्ते बिल्ली वहां जाएंगे तो उनके साथ तो भाई हम नहीं जा सकते, हमको दिखावा तो करना नहीं है। नॉर्मल पब्लिक के लिए 26 से खुल रहा है भाई, जब आस्था होगी, जब कैपेबिलिटी होगी, जाएंगे दर्शन करेंगे, भगवान से मिलेंगे, आ जाएंगे। तो मैं जेन्युइनली ये बात बुरी नहीं लगेगी कि भगवान बिजनेस बन गए?
जिसके फॉलोअर ज्यादा उसके अच्छे दर्शन या जिसकी जिसने चाटुकारिता ज्यादा करी है उसके दर्शन। वो आज बात हो रही है क्या वाकई में, अब वो चंपत राय जी का बहुत सम्मान है लेकिन उनका स्टेटमेंट देखा मैंने, आडवाणी जी बुजुर्ग हो गए क्या पूरे देश को नहीं पता चंपत राय जी किसके थ्रू चल रहे हैं, किसके उस पे चल रहे हैं? अब आप कुछ एक शब्द बोलिएगा तो ऐसा ऐसा ट्रेंड आया हुआ है कि आपके अगेंस्ट कैंपेन शुरू हो जाएगा कि तू कांग्रेस का दल्ला है, मैं कांग्रेस का दल्ला हूँ। लेकिन आप बताओ ना, आज पूरी दुनिया जानती कि नहीं कि आडवाणी जी की वजह से राम मंदिर की वो शुरू हुई है? कितनों के वजह से हुई? वो किसी से छुपी नहीं है बात भाई, एक पार्टी के वजह से नहीं हुई है, हजारों लाखों हिंदुओं और उनने जो जान फूकी है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आडवाणी उसमें नहीं थे भाई। जिस किसका माइक खराब है बंद कर लो प्लीज, निखिल तो बंद कर ले भाई। इस इंस्टाग्राम में किसने जान फूकी थी? आज आडवाणी जी हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो बजरंग दल हो, सबने अपना अपना दिया है योगदान। कार सेवकों ने दिया, उनने भी दिया जो तो, कार सेवा करने तो उनको उनको आने ही नहीं दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आपकी तबीयत खराब है। बोल मैं कह रहा हूँ ना यार, और ये बहन के लौड़े 1 लाख फॉलोअर वाले क्रिएटर जा रहे हैं, इनकी तो बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, नहीं आया मुझे अभी तक नहीं आया क्योंकि मैंने जो अथॉरिटीज हैं उनकी नहीं चाटी भाई, मुझे नहीं आया और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर मैं उन अथॉरिटीज को 3 दिन मैसेज करता सर सर भैया भैया मुझे आ जाता, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं पार्टिसिपेट किया इस कैंपेन में। और नो डाउट इसकी वेव एक आली भी पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन जाहिर सी बात है भाई मैं धर्म के साथ ये सब नहीं देख सकता यार। व्हाट्सएप मैसेज आएगा हम लोग एक साइड के हैं सम्राट भाई की। अरे यार अपने भाई लोग हैं, अब याद रखना मोदी जी को कमजोर मत करो सम्राट भाई। नहीं नहीं हमारे साथ कुछ और हो रहा है सुभाष भाई, याद रखना ये रैंडम और सम्राट का कोई टिकट क्लियर मत कराना, याद रखना अगर कल को ये लोग फंसे ना तो इन लोगों को छुड़ाना मत। अरे तुम बहन के पार्टी चलाओ यार अपनी, हमें खाने दे रहे हो क्या तुम? काम अपने नसीब का रहे, खिलाने वाले हमारे महादेव है तुम कौन हो भैया? सम्राट भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ अडवाणी जी के बारे में, मैं धनबाद से होके धनबाद में वासेपुर बहुत गंदा इलाका है, वहां से वो तब के जमाने में जब वासेपुर का राज हुआ करता था वहां से वो रथ निकाले थे अपना और उसी को नहीं बुला रहे। बताओ, अरे उन्होंने बहुत किया यार बिहार में उत्तर प्रदेश में स्ट्रगल किया है, नो डाउट अटल जी ने आडवाणी जी ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं अपने। मैं ये नहीं कह रहा यार कि नहीं हुआ ऐसे ही बन गया, लेकिन आज की डेट में जो चीज़ हो रही है कि सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ चाटुकार हैं यार, जो जेन्युइनली मैं तो इससे पूछ रहा हूँ ना रैंडम से, इनको तो सुबह शाम आता है सर तन से जुदा है, इनको बुरा नहीं लगता। जितनी भी पब्लिक सुन रही है भाई यही समझो कि पूरा एक लॉबी बन गया है जो मोनोपोली कर रहा है सीधे, कि भाई हम ही बैठे हुए हैं, हम ही सब कुछ डिसाइड करेंगे, हमारी चाट होगे तभी हम तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं, बस यही हो रहा है भाई। और ये इनविटेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एक कुत्ता बिल्ली तुम अगर तुम एक क्रिएटर बन जाओ या तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी बहन है माँ है मतलब कोई भी क्या बोलते हो उसको रेस्पेक्टेड लेडी है या तुम ही हो, तुम एक क्रिएटर बन जाओ भाई, तुम्हारे में बस चाटने की एक शक्ति होनी चाहिए, तुमको हम 10-15 दिन के अंदर मिनिस्टर से मिलवा देंगे, ठीक है, तुमको राम मंदिर का इनविटेशन भी दिलवा देंगे, सब कुछ मिल जाएगा भाई सब कुछ। और ये जो शेल कंपनियां होती है ना भाई, जैसे समझो शेल कंपनियां क्या होती थी पहले, कि पेपर पे है सिर्फ कंपनीज और रियल में होती नहीं थी, तो आजकल ये क्रिएटर्स में आ गया है कि ये शेल क्रिएटर्स हो गए हैं कि इनकी औकात झांट बराबर होती है, ये फेक फॉलोअर्स उठा लेते हैं और बीजेपी आईटी सेल में जो मोनोपोली कर रहे हैं जो बैठे हुए हैं 2014-2012 से, वो इन लोगों को क्रिएटर्स दिखा के बीजेपी से पैसा उठा के सब कुछ कर लेती है, तो ऐसा हो गया भाई। इसीलिए भाई ये राम मंदिर पे भी मेरा कोई एक ट्वीट नहीं है, कुछ नहीं है, अब मैं ज्यादा खोलूंगा तो फिर मिर्ची लग जाएगी आईटी सेलियों को, इनके पास इतना बुद्धि नहीं था कि पता है सम्राट एक बार इंस्टा खोलना और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ऑफिशियल अकाउंट खोलना, उसपे 4.5 लाख फॉलोअर है पता है, उसपे बॉट फॉलोअर्स डाले हुए हैं। हाँ होगा ना, बॉट फॉलोअर्स है बताइए, होगा आधे से तो नेताओं के में। और मुझे पता है कि वो कौन चला रहा है, अब उस मादरचोद को कौन बोला कि भड़वे तू एक बार हमको बोलता हम उसपे 1 मिलियन फॉलोअर्स करवा देते। सही बात है, अब उस चूतिए को कौन बोले, बॉट फॉलोअर्स डाले हुए गांडो और फॉलोअर्स छुपाए हुए,
और वो पेज बीजेपी आईटी सेल चला रही है, तो ये सब चल रहा है भाई, तो क्या बोले, मन उठ गया, दिल उठ गया है। ये सोशल मीडिया पे तुम जो भी देखते हो भाई, सब पेड कैंपेन रहता है, सबका सब पेड कैंपेन रहता है। तुम एक मोदी जी के लिए एक बढ़िया ट्वीट भी कर दोगे ना भाई, तुम्हारा ट्वीट दिखा के बीजेपी आईटी सेल वाले पिल्ले बीजेपी से पैसा उठा लेंगे। और नो डाउट भाई, सच बता रहा हूँ, मोदी जी को मैं पहले बहुत गरियाता रहता था, अब तो सच में मुझे वैसे लगने लगे यार, बहुत दया सी आने लगी कि भाई उस आदमी तक पहुंचने नहीं देते यार। अब वो सुबह शाम एक नई नौटंकी शुरू हो गई उनके इंस्टा अकाउंट से भजन शेयर करने की, ठीक है, एक वो नई चीज शुरू हो गई, अब वो चलेगी है ना, वो 24 तारीख तक चलेगी देखना, ठीक है। अब जेनुइन क्रिंज बना दिया भाई पीएम के हैंडल को भाई, सच में यार मोदी मतलब नो डाउट बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, पीएम वीएम की नहीं, वो बहुत पावरफुल इंसान है, लेकिन जो भी हैंडल करता है और जो भी हरकतें कर रहा है भाई, तुम यार इंस्टाग्राम स्टोरीज में गाने शेयर कर रहे हो सीरियसली मोदी जी, और उसको बीजेपी के मीडिया वाले चार्ट भी अलग रहे हैं, मोदी जिस गाने पे हुए मनमोहक वो गाना इन मैडम का है, मैडम आपको कैसा लग रहा है, मोदी जी मनमोहक हो गए भाई, टाइम भी नहीं होगा उनके पास सुनने का जेन्युइनली, वो आदमी प्राइम मिनिस्टर है भाई, मतलब विधायक पे टाइम नहीं होता यार, पार्षद पे टाइम नहीं होता, विधायक तो छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर पे इतना टाइम है कि बैठ के गाने सुन रहा है। अच्छा गाना है, अच्छा सुन लेता हूँ फिर स्टोरी लगा दूंगा मैं तो, बस अभी अक्षय कुमार का भजन बाकी है सम्राट भाई। अक्षय कुमार तो लाडले है ना यार इनके, माफ करो भाई अक्षय कुमार एक से एक माधर छोड़ बड़े हुए हैं जिसमें अक्षय कुमार नंबर वन है। अरे सुनिए ना, ये तो हम लोग को पता है वो कितना बड़ा चूतिया है, लेकिन जो ओल्ड लोग है, मेरे मम्मी पापा को लगता है बहुत बड़े देशभक्त है, अब मैं उसको कैसे समझूं कितना बड़ा चूतिया है भाई, देशभक्त तो क्या बताएं। एक ही चीज है भाई कि जो सेक्युलर है, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जो सेक्युलर हुआ करता था पहले, वो भले ही प्रो हिंदू बन सकता है, लेकिन जो कभी पहले इंसल्ट किया हुआ है तुम्हारे धर्म को, वो कभी प्रो हिंदू नहीं बन सकता, ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे विवेक अग्निहोत्री, अब तुम कितने भी भले चूतिया बन गए, उसको 1800 करोड़ कमा के दे दिए, लेकिन वो कभी प्रो हिंदू नहीं बनेगा, उसने धंधा बनाया उस चीज को और तुम लोग उसके कस्टमर बने, सिंपल सा लॉजिक है। हम अगर सेक्युलर रहे हो पहले के, हाँ हाँ भाई हम थे भी भाई, हम 7 साल पहले हम भी थे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बोलने भाई, जितेश भाई आ गए भाई, जितेश भाई को ऊपर लो भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अब अगर हम बोलेंगे प्रो हिंदू तो भाई वो चलता है, लेकिन अगर पहले जो गाली दिया हुआ है, अब अक्षय कुमार ही है, पहले क्या मौक किया हुआ है ना सम्राट, बहुत दूध निकालो तो ये निकालो वो निकालो, तुम्हारे महादेव ने बोला क्या ये करने को, अब वो माधर चो चुतियापा कर रहा है, अब उसमें राष्ट्रवादी हिंदू वो लोग वो भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेजम भी ले रहे हैं। अरे पे चलते हैं हिंदू शेर, अक्षय कुमार ने कहा सहमत हो तो शेयर करें, डाउनलोड कर लिया है आपके क्षेत्र में कितने लोगों ने किया, नमो ऐप मतलब नरेंद्र मोदी ऐप, ठीक खतरनाक चलता है मतलब कैसे करते हैं मैं वो युवा नेता वाली जो सीरीज चलती है मैं बहुत जेन्युइनली एक्सपोज कर सकता हूँ भाई, मेरा ग्रुप भरा पड़ा है, जल्दी से रीट्वीट कर दें इसको, भैया ने कहा है। अरे लो साहब, अरे उसमें उसमें भी पैसा आता होगा लगता है डाउनलोड में, इसीलिए करवा रहा होगा भाई, मैंने एक हैंडल भेजा था रैंडम, देखा था ना रील्स के साथ बहुत भयंकर इंस्टाग्राम पे, हेड साहब, हेड साहब का देखा था अकाउंट की नहीं, लेकिन वो हेड साहब लाख गुना अच्छे हैं, वोट बोल फॉलोअर तो नहीं लिए, वो जेन्युइन होंगे सारे, भले ही 4000 हैं। एक से एक है भाई, नहीं मजा आ रहा है भाई, अभी एक नई नौटंकी चल रही है ना वो वाली, कि इसको डिफेंड कर रहे हैं मालदीव को, अक्षय कुमार के पुराने ट्वीट निकाल निकाल के ला रहे हैं बेचारे के भाई एक तो और योगी भाई यार, हम किसी का देख सकते हैं, योगी का नहीं देख सकते, योगी को चूतिया बनते हुए उसके साथ वो कंगना रनौत या अक्षय कुमार सब टहलते रहता है, इतना बुरा लगता है, पता चला ये कट्टर डिंडू शेर लोग भी ना उसे मिल ले हमको किसी से मिलने का कोई चाह नहीं है, कभी हम आज तक मिले नहीं, लेकिन हाँ योगी जी से जरूर मिलना चाहेंगे, क्योंकि हमको वही लगता है कि भाई वो धर्म के लिए कभी वो नहीं करेगा। अभी अभी तुम्हें दिखेंगे भाई थोड़े दिन में, 24 तारीख आने लग रही ना, 22 तारीख हो सकता है भाई, कोई मतलब पॉसिबिलिटी पूरी है
23 तारीख को सबके फोटो दिखेंगे तुम्हें लाइन से। अच्छा। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के से भेंट हुई और सौभाग्य प्राप्त हुआ और बढ़िया एक नंबर फोटो रहेगा योगी जी का और उनका और रैंडम भाई मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। हाँ भाई निखिल बोलो ना। हाँ मैं सम्राट भाई से पूछ रहा हूँ, ये रैंडम भाई से, जो मतलब बुरका पहन के पेड प्रमोशन करते हैं उसको भी एंट्री मिल जाएगा क्या राम मंदिर में? पूछो भाई रैंडम भाई से पूछो ये सवाल। हाँ उन्हीं से पूछा, आप तो आंसर देंगे नहीं इसलिए आपसे तो पूछने का ये भी नहीं, नहीं रैंडम भाई आंसर देंगे। उन लोगों को इनविटेशन आया है, वो लोग जा रहे हैं। अच्छा अभी गया? अच्छा ओके। सबसे बड़ी बात भाई बी फीटर खुलाए जा रहे हैं और बी फीटर। रैंडम भाई बोलो ना कुछ पूछ रहा हो। तो वो बी फीटर ठीक है, दूसरा चीज उसकी जो बीवी है वो भी हंसी थी राम मंदिर के निर्माण के नाम पे। कोई क्वेश्चन पूछा था मीडिया कर्मी, लेडी जर्नलिस्ट थी, वो क्वेश्चन पूछी तो वो हंस के टाल दी, मतलब हंसी नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, मॉकिंग वाला स्माइल। और रैंडम भाई देखो ये चीज देखो कि दोनों को अलग अलग इनविटेशन दिया गया है, दो इनविटेशन यूज हुए हैं दोनों को, आलिया भट्ट को भी और रणबीर कपूर को भी, अलग अलग दोनों को। वो आज ट्वीट कर दिए ना मालदीव्स के लिए इसलिए। हाँ लेकिन वो क्या नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, चंपत राय जी ने बोला है, मतलब एक से एक लोग हैं भाई, बाप रे भाजपा में भाई मेरे को सच में जेन्युइनली मानने तो पूरा भाजपा ही वो कर रही है कंट्रोल। आडवाणी जी के लिए जेन्युइनली बुरा लगता है भाई, चलो कुछ मत दो यार, लेकिन ये चीज मैं नहीं मान सकता कि उनकी योग्यता नहीं, मतलब वो सॉरी भागीदारी नहीं थी, बिल्कुल थी यार, इस चीज में बहुत बहुत बड़ी भागीदारी रही। और सही बताए, सही बात है भाई, राजीव गांधी ने भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो किया ही था, वो राजीव गांधी जाके मंदिर खुलवाया था, लेकिन मंदिर बनाने की पूरी वो मिलती है भाई, मैं मानता हूँ कि बुलाना चाहिए था यार। और कोई भी आदमी यार उनकी जगह, मान लो मैं पूरी मेहनत करूँ रैंडम भाई मुझे साइडलाइन कर दें आगे चल के, करते ही है मुझे लगता है ये मोदी जी करवाया हमको लगता है तो जिस तरह से वो और रैंडम भाई और सम्राट भाई, मैंने सुना है कि मुलायम जी के परिवार को और लालू जी के परिवार को फोन किया गया स्पेशल कि आपको इनविटेशन कब देने आए। मुलायम को अगर बुला रहे हैं भाई तो कितनी शर्म की बात है यार, कुछ भी मुलायम तो कहाँ आएंगे, लेकिन उनके घर वालों ने मतलब उनने क्या अपने कार्यकाल में किया है सबको पता है भाई। सर में मैंने सुना है, वो देखी थी मैंने सर में गोलियां मारी थी। देखो भाई बात ये है, अब बहुत सारे अटैक्स होंगे लेकिन बात ये है कि 24 में इलेक्शन जीता ही जाएगा इस मुद्दे पे, ठीक है, जरूरी भी है चीज और हाँ ऑब्वियसली जरूरी भी है, आना भी जरूरी है, नहीं तो दूसरे वाले तो गाने मार लेंगे देश का पूरा। नहीं इसलिए ये लोग कुछ भी करेंगे। नहीं हम तो भैया देखो डे वन से मोदी सपोर्टर है और हम चाहेंगे भी कि मोदी जी जीते, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो बीच के हैं इनको पेलते रहना चाहिए ताकि उन तक भी बात जाए कि भाई मोनोपोली हो रही है। आज हजारों ऐसे क्रिएटर हैं जो बिना किसी मतलब के काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आएंगे हैंक फलाना हैंक ठिमकाना और ये एंटी नेशनल है और लो भाई हो गया काम। मैं जो ये जेपी नड्डा जी रीट्वीट कर रहे हैं तो भाई वहाँ बुरा लगता है देख के, जेन्युइनली बुरा लगता है। लेकिन इनको उठाना पड़ेगा ना सम्राट भाई, बीच वालों को अपने को सम्राट मत बोलो ना गाली खा जाओगे। सॉरी भाई स्टोरी डालते हो भोंसड़ी के तो मुझे थोड़ी ना पता था भाई, जब पता चला तब हो गई ना बात खत्म। सम्राट भाई तुमको तो एक ट्विटर आईडी सीबीआई का इंचार्ज बना के चूतिया बना देता है। रॉ का भोंसड़ी के रॉ का नॉट सीबीआई कोई रॉ का एजेंट बता देता है सम्राट। अच्छा भाई जितने भी सुन रहे हैं अरे वो इस समय तो मैं भी चूतिया नहीं बनूंगा, इतना बड़ा पोस्ट कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा रॉ का मुझे पता था भाई। एक बात बताते हैं सम्राट फोटो होता भाई, सुनो तो सम्राट भाई को एक एक बंदा मिला सम्राट भाई से, वो अपने आप को बताता है कि सम्राट वो ऐसा है कि मतलब मेरा काम थोड़ा वो है मतलब नहीं बोलने वाला है। तो सम्राट ने पूछे सर क्या काम करते हैं सर, सर इंटेलिजेंस ब्यूरो या ये सब वही समझ लो उसी टाइप का समझ लो कुछ। सम्राट भाई भी उसको सर सर करके दो तीन चार महीना सर सर करके वो किए एड्रेस किए, बाद में पता चला कि वो एक आईटी सेल का दलाल।
भाई दलाल बड़ा शब्द बोल दिया भाई। और सम्राट भाई को एक और दूसरा बंदा मिला, ठीक है, वो गाड़ी लेके चलता था, एक दो गाड़ी लेके चलता था और दो तीन बॉडीगार्ड लेके। और उसको बोला कि मैं बीजेपी एक्स बीजेपी एमएलए कैंडिडेट हूँ और मेरी इतनी इतनी चलती है। सम्राट भाई ऐसे चोदू कि हाँ भैया हाँ भैया, उनको वो हमको भी बोल रहा है कि रैंडम ये देखो ये भैया है, ये एक्स बीजेपी कैंडिडेट है एमएलए कैंडिडेट, तो इनसे ये ऐसा ऐसा है वैसा वैसा। तो सम्राट को छुटकारा बनाना बहुत इजी है। एक जेन्युइन बात बताऊं, ही इज वेरी इनोसेंट एंड गुड गाय, मैं उनको कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जो रॉ वाला था भाई, इस आदमी ने मुझे इतना मैनिपुलेट करा भाई, मतलब मैं देखो चलो मैं मान सकता हूँ मेरे हिसाब में चूतिया बना, मैं मान सकता हूँ, सब बन सकते हैं। सम्राट भाई एक बार बोलो ना कि सर सर बोले हो कि नहीं 4-5 महीने। भाई वो व्हाट्सएप स्टेटस ही ऐसा लगाता था भाई, आर्मी वालों की गाड़ियों के साथ खड़ा है भाई, तो मुझे लगेगा ना हो सकता भाई रॉ का हो यार। तो सोचो सम्राट के यहाँ पे जितने भी फॉलोअर होंगे, तो सोचो कितना वाला चूतिया तुम्हारा। मोदी को नहीं बनाते हैं भाई, मोदी जो कर चूतिया रहता ना तो स्वयं सेवक से वो इंटरनेशनल वो लीडर नहीं बन जाता। अब उसका जो डिपार्टमेंट है ये देखो, हमको लगता है ऐसा कि आईटी सेल डिपार्टमेंट है अमित शाह के पास, हमको ऐसा लगता है। इसीलिए चूतिया बन जाता है अमित शाह को लगता है कि यही 40-50 साल वाले बुड्ढे हैं जो अक्षय कुमार जो भी उसका ऊपर है वही करता होगा। अब देखो मैं तो सीरीज ऑफ इवेंट समझाता हूँ। उस आदमी से मैं ट्विटर में मिला, ऐसे ही मिला स्पेस में, ठीक है। फिर एक दिन जेन्युइनली ऐसे मैसेज आया, सम्राट ये आदमी कौन है, एक व्यक्ति विशेष का नाम पूछा। मैंने बोला भाई ये है कोई मेरे जानकार है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। We are filing FIR on him and after 7 days he is behind the bar. तो मैंने कहा यार आदमी ठीक है, इतनी बड़ी बात कह रहा है भाई, तुरंत एक FIR की कॉपी भेज दी मुझे WhatsApp पे, ठीक है। और ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन टाइप की ही थी, वो नकली थी ये भी बता दूँ। उसने मुझे भेजी, मैंने इतना चेक नहीं करा कि नकली असली, मैंने देखा यार, मैंने कहा चलो इतने पावरफुल हैं। उसके बाद मैंने नंबर सेव किया तो WhatsApp स्टेटस में हर दिन एक नई गाड़ी, मतलब नई गाड़ी वो सरकारी गाड़ियाँ सब प्रोटोकॉल वाली, वो गाड़ियों के फोटो डाल रहे हैं यार। और उसके बाद बातें भी ऐसी हो रही हैं ट्विटर पे, फलाना ढिमकाना CBI IB। आदमी को लगा 2-3 महीने बाद, मैंने एक दिन कुछ नहीं करा, मैंने कहा आज इसकी थोड़ी वो करते हैं जांच पड़। मैंने उसका नंबर कॉपी किया, एक साइबर सेल वाले को दिया, मैंने भाई ये पता करना क्या सीन है। उसने मुझे बताया भाई बीजेपी IT सेल लिखा है, ठीक है, वो कर्नाटक मर्नाटक में कोई कार्यकर्ता है भाजपा का भाई, ठीक है। बस भाई मैंने रैंडम को बताया भाई, मां चुत गई यार इज्जत की, जिसको मैं इतनी इज्जत दे रहा था रोका एजेंट समझ के। आईटी सेल का आदमी सम्राट, सम्राट तुमको मेरी कसम है भाई, सही सही बताओ, हम आपको बोले थे कि नहीं कि चूतिया कट रहा है आपका, सही सही बताओ। हाँ लेकिन उस टाइम तक भाई ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा है सम्राट का भाई। अभी अभी छोड़ो, चलो मेरा छोड़ो, ये रैंडम भैया से सुनो, अभी ये बीच में फंस गए थे, अब मत बोलना बीच में कि बोलो मत, ठीक है। रैंडम भैया बीच में एक दिन फंस गए, तो एक दिन रात में एक व्यक्ति का कॉल आता है कि फलाने आदमी से बात कर ली तुम्हें जेल भेजने की, मतलब ये समझो निखिल ने सुभाष भाई से बात कर ली है रैंडम को जेल भेजने की। रैंडम भाई 1-1.5 घंटे परेशान, भाई इसको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ, कैसे पता चला। हाँ वो सिंह की बात कर रहा हूँ मैं ना, यूक्रेन में बच्चे वाले। अरे तो सम्राट तो आपने उसका नाम नहीं लिया था ना? मैंने नहीं लिया था हमको पता रहता है, हाँ उसका है। वो साइकिल ने नहीं लिया था उसका नाम। ये मार्च वार्स की बात बता रहा है, एक है? केस हुआ था उसमें मार्च, अभी 3 महीने पुरानी बात है कि भाई। अबे चूतिये मार्च 2023 की बात है। अरे साइकिल वाला का सिंह वाली ना, सिंह वाली, हाँ 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 ना, हाँ तो आगे कंटिन्यू। हाँ तो ये रैंडम भाई पूरी रात टेंशन में रहा भाई, यार उसको कैसे पता चला ये कैसे। मैंने इनको एक रिकॉर्डिंग भेजी उस व्यक्ति से बात करते हुए, रैंडम भाई ने वो भी पूरी नहीं सुनी डर के मारे कि पता नहीं क्या सीरियस बात हो रही। फिर मैंने ना दूसरे दिन फोन करके बोला भाई साहब आपका चूतिया काटा जा रहा है, वो चूती है आदमी को पता नहीं कहाँ से पता चल गई तुम्हारी लोकेशन, उस बात पर पूरा गेम खेल रहा है। तब जाके रैंडम भाई की जान में जान आई, वरना रैंडम भाई पूरे एक दिन सोए नहीं है, सुबह से लेके रात तक, मतलब पूरी रात भर जगे हैं, अगले दिन सुबह तक जगे हैं। ये है रैंडम भाई,
वैसे इनको हिंदू शेर बना क्योंकि, लो। हाँ, क्योंकि सम्राट भाई क्या है ना, हमें लाड़ छाटने की आदत है नहीं, हमारे पास बैकअप है नहीं इनका मिनिस्टर्स का कि हम पे तो कौन एक सा बार बचा ले। हम पे कौन सा है, हमारे तो दो राजा हैं, आपके तो है ही, हमारे तो एक ही राजा है। और तुम भी और भाई हमें, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, जब से रैंडम सेना का गठन हुआ हम शुरू से बोलते आ रहे हैं भाई कि दिक्कत इंटरनल एनिमीज से ज्यादा है एक्सटर्नल एनिमीज के बदले। ठीक है, अब लेफ्टिस्ट वालों की तो माँ चोद के रखते हैं, अब ये भड़वे जो अपने आप को हिंदू बताते हैं वो अगर अपनी माँ चुदाने लगे तो भाई इंसान तो डरेगा ना भाई। गाइस 1000 लोग सुन रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, रात में 3 बजे उसने मुझे कॉल किया था, पता है 3 बजे। नहीं नहीं अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, मजाक मजाक में तो चल, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये बात। सम्राट भाई एक चीज आप सीरियसली बताओ, अगर सही सही बताना महादेव की कसम, अगर हम बाकी क्रिएटर्स की तरह लाड़ छाटने वाले होते तो क्या मुझे डरने की आवश्यकता थी? नहीं, सही बात है, नहीं थी ना। अगर हम मुझे भी आता चाटना भाई, मैं भी अगर किसी और इस बेस पे 1.4 मिलियन बेस पे भाई को मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट अच्छे जगह पे हम रहते, सीएमएम से डायरेक्ट बातचीत होती, अगर लाड़ चाटना आता तो भाई वही चीज है कि भाई गलत नहीं कर रहे हैं, और अपोजिशन वाले बकचोदी करेंगे तो भाई मेरे पास तो है नहीं लिंक। तुमने शिवराज जी के लिए किसके लिए करा था भाई जो तुम्हारी मीटिंग हो गई? कौन सी सीएम साहब से, एक्स सीएम से? हाँ, तो मैंने कब मीटिंग हुई? पेड़ लगाने नहीं आए थे तुम? लोड़े गाने फाड़ देंगे बुरचुदे। झूठ बोलेगा तो डाल दो फोटो फिर। हाँ डाल दो, किसी का भेजो, किसी और का डाल के किसी और को कटवा देना। एक तो ऐसे ही सरदार से जुदा वाला वीडियो बना हुआ, भेजो तो किस बेचारे का फोटो डाल दिया, बोल भी नहीं रहे मादर चोद, और ट्रैक्शन मिल जाएगा, किसको कटवा देगा भोसड़ी का। मैं डाल दे रहा ना भाई फिर, और हम अपने रैंडम से ना पेज पे किसी दूसरे का डाल दिए फोटो, और करते रहो बकचोदी, वो भी 15-16 साल का बच्चा। मैं कह रहा हूँ पवन का डाल दो भाई, सबसे बढ़िया। पवन तो ऐसे ही हॉस्पिटल में रहता है ना। वो बेचारा अभी वैसे ही अंदर है, 6 महीने से पहले बाहर नहीं आएगा। नहीं गाइस जेन्युइनली इतने स्कैम है, उस आदमी ने मुझे रात में 3 बजे फोन किया था, पता? और पता है भाई उसके बाद से हम लोग कोशिश कर, पता है सम्राट भाई कल हमको कॉल आया था उसके एक दोस्त का, अश्विनी का, जो हम आपको नहीं बताया था कि इस कुंडी का कॉल किया था, इस कुंडी के लिए, इस कुंडी ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो कल वो कॉल किया ना, हम पहले पूछे कि वो तुम्हारे भैया है क्या कोई अपने, तो बोलता नहीं नहीं भैया हम नाम सुने थे, हम बोले एक नंबर का मादर चोद है वो, और उसको बोलना एक बार हमसे बात करें, उसकी माँ चोदेंगे भड़वे की। हमको खुन्नस है सम्राट, पता है जिस समय हम पैनिक मोड में थे उस समय वो मादर चुदाई किया भड़वा। अरे रात में 3 बजे फोन करके ऐसे बोला है भाई वो, मैं खुद हिल गया। सम्राट अभी क्या, अभी जेल चला जाएगा ना रैंडम, तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 24 में इलेक्शन है, अपन चाहते हैं कि 24 के बाद। और उस बंदे को भाइयों, उस बंदे को एक मतलब कोई रोड साइड कुत्ता हो ना, उसका झांट भी ना जाने, कुत्ते का झांट भी तो उस बंदे को ना जाने, वो ऐसा मादरचोद फ्रॉड भाई। ये एनजीओ चलाने वाले तो 99.99% फ्रॉड है भाई, ये जो एनजीओ चलाने वाले है ना, और जो ये चला रहा है वो जो एनजीओ के नाम पे रजिस्टर करते हैं वो सबके सब फ्रॉड है। ब्लैक से व्हाइट, ब्लैक से व्हाइट, नहीं नहीं नहीं, उसका उसका ब्लैक से व्हाइट भी देखो, ब्लैक से व्हाइट वो करता है जिसके पास हो, समझ लो आरईओ फंडिंग, वो बहन जो श्रीलंका जाके बच्चे बचा रहा है भाई, पता नहीं कौन से देश में जा रहा है। एक बात बताया, मेरी बात हुई थी, हम नाम नहीं लेंगे, ठीक ठाक दोस्त है मेरा, आपकी भी बात हुई है उस बंदे से उसी टाइम में, वो बोला हमको कि एनजीओ बनाया ही इसलिए जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई नेता है आपके, कोई भी नेता हो गए, अब वो तो कमा रहे हैं 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ ब्लैक मनी, तो वो क्या करेंगे वही ब्लैक मनी को अपने अपने पास, नेता कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 एनजीओ रखते हैं, उसमें वो पैसा डोनेट करते हैं। अरे नहीं, उसको ब्लैक से व्हाइट करते हैं। नहीं, वो उसकी स्कीम ऐसी नहीं होती रैंडम भाई, वो हम पता कर चुके, उसकी स्कीम ऐसी होती है कि मतलब एनजीओ को नहीं मिलता वो, वो मिलता है सोसाइटी को, और वो भी मिलता है कम से कम 3 साल की बैलेंस शीट होना चाहिए, मतलब 3 साल आपने काम किया हो, ट्रांजेक्शन हो, तो ये सारे एनजीओ जो होते हैं ना वो अलग तरीके के होते हैं जो तुम बता रहे हो ना, उसके पास वो एनजीओ भी नहीं है, मैं तो मुझे भी बता दूं। ठीक है, उसी की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं।
नहीं मैं बता रहा हूँ कि उसको उसकी भी फंडिंग नहीं है, ये क्या है एक्चुअली में, लोग जब टीम और ऐसे नाम सुनते हैं ना तो लोगों के अंदर थोड़ा ऑर्गेजम आ जाता है कि यार कुछ तो बड़ा होगा जब टीम लिख रहे हैं तो। और भाई कोविड के टाइम में तो ऐसे एनजीओ इतना फ्रॉड किए हैं भाई, इतना भाई एक तो 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड मेरे सामने कर गया, पता नहीं कहाँ के मुस्लिम लोगों के लिए वो मदद कर गया था और लोग उसको डोनेट कर रहे हैं भाई स्टोरियों में लगा लगा के। तो सुने कोई एक राइट विंग का बंदा था लेफ्ट विंग के नाम से डोनेट खोला और पैसा चाप दीस ऐसा सुने हम एक। अरे हाँ जब राजस्थान का बंदा था वो रणा भाई अभिषेक भाई हो सकता है। 22 जनवरी के लिए आडवाणी को नोता मिल गया क्या भाई, कोई ने डाला गाली खाए होंगे तो शायद मिला होगा। मिल गया है रैंडम सरमाड़ भाई, मिल गया है उनको उसी दिन के बाद जब ट्रोलिंग हुई थी उसके अगले दिन ही मिल गया था, नहीं होता तो। चलो भाई सॉरी गाइस, सॉरी चंपत राय जी, वी आर अपोलोजाइज, वरना अभी रैंडम भाई मैं करने लगेंगे, मैंने कहा मैंने बोला मैं ऐसा हूँ इस चक्कर में मिल गया, तो इसलिए मैं खुद ही बोल देता हूँ ना, हम सभी लोगों की तरफ से अपोलोजाइज करते हैं। ठीक है रैंडम भाई एक सेकेंड, गाली खाए होंगे आईटी से लिए लोग खुद का टाइम। हाँ नहीं तो मैं खिला देता भाई उन्हें, मैं करवा एक दिन बुलवा लो ना रैंडम भाई आईटी से लियो को यहाँ पे, कभी नहीं आते भाई, उन्हें स्क्रीन रिकॉर्ड करना और कल सुबह मेरे लोकल नेताओं को भेजना रहता है। ये देखिए सम्राट भाई ऐसा कह रहा था भाई इस स्पेस में, ये देखिए सम्राट भाई ये मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ भाई इन लोगों से यार कसम से। और एक ये बैठा था ना अभी ये द वायरल क्या नाम है इसका, ये यूट्यूब पर डाल देता पूरी रिकॉर्डिंग भाई, ट्विटर ना मैं फन के लिए यूज़ करता हूँ भाई, मैं कल डिलीट करके भाग जाऊँगा यहाँ से, ठीक है मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे कौन फॉलो कर रहा है कौन देख रहा है कौन क्या। वो बिग बॉस वाले में जब एल्विस था हम लोग तो स्पेस में आते थे बकचोदी करते थे निकल जाते और आज भी वही करते हैं भाई ट्विटर हम लोग इसीलिए बना रखे हैं, हम मस्ती मजाक के लिए फॉर्मेट है, बाकी काम सब इंस्टा और वहाँ सब चलता है भाई, यहाँ की चीज़ों को मत डाला करो रिकॉर्ड कर करके। और पता दिक्कत क्या है, अब कुछ नहीं होगा मान लो 5 साल बाद फॉर एग्जांपल रैंडम और मेरा भी मूड बदल जाएगी, नहीं अब तो भाई कांग्रेस ही बनना है तो ये सारी क्लिपें क्या रहे भाई अपने में मत जोड़ो भाई ऐसे ही रैंडम रैंडम का नाम कितना अच्छा लगेगा। रैंडम में एक इस्लामिक हिंदू हूँ, इस्लामिक वो नहीं है सनातनी मुस्लिम है तो इस्लामिक हिंदू हो सकता है, ठीक है तो बढ़िया रैंडम भाई फिर पैदल यात्रा करेंगे यहाँ से किसी जगह। लेकिन अगर आप मुस्लिम्स के एडवोकेसी करोगे हिंदू के तो आपको झाट बराबर वैल्यू नहीं मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन आप मुस्लिम हो के हिंदू के एडवोकेसी करोगे तो सब आपको बाप बना लेंगे। नहीं इसमें